नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे का सिटी सेंटर रीवा। मेरे साथ देखिए दिन भर रीवा में क्या घटा, क्या कुछ हुआ। अध्या का दबंगों ने खेत काट लिया, जान से मारने की दे रहे धमकी, पुलिस ने कहा हम है ना, फिर भी दबंगों ने दिखाई दादागिरी। वृद्धा पहुंची जन सुनवाई में, रीवा के कलेक्ट्रेट परिसर में लगाई न्याय की गुहार। वृद्ध का दबंगों ने खेत काट लिया, जान से मारने की धमकी दी, जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तब महिला पहुंची जन सुनवाई में। वृद्धा अतरसुईया गांव त्योथर की रहने वाली, हर मंगलवार रीवा के कलेक्ट्रेट परिसर में जन सुनवाई होती है, जिसमें जिले भर के पीड़ित न्याय की गुहार लगाकर इंसाफ मांगने पहुंचते हैं आला अधिकारियों के पास, जिसके चलते जन सुनवाई में अच्छा खासा शिकायतकर्ताओं का हजूम एकत्र होता है। इसके पीछे कारण शायद जन सुनवाई में पहुंचने के बाद लोगों को न्याय मिलता हो, या संबंधित विभागों के द्वारा जब न्याय नहीं मिलता तो न्याय की मांग को लेकर वो पहुंच जाते हैं जन सुनवाई में। जन सुनवाई में ज्यादातर मामले राजस्व और पुलिस के ही देखने में नजर आते हैं। ज्यादातर मामलों में रास्ता अवरुद्ध करने, योजनाओं का लाभ न मिलने, जमीनी विवाद के मामले ही होते हैं। मंगलवार को कलेक्ट्रेट में अच्छा खासा भीड़ पहुंची, न्याय की फरियाद लगाई। जन सुनवाई में मौजूद एक महिला रो रो कर अपना दुखड़ा बयां कर रही थी। हमारी टीम मौके पर मौजूद थी, उसने महिला से जानना चाहा उसकी समस्या क्या है। तब पता चला गांव के दबंगों ने उसके खेत काट लिए। पुलिस आश्वासन देती रही हम है ना, लेकिन पुलिस के होने के बावजूद उसका खेत काटा गया। यही नहीं, महिला का साफ तौर से कहना है दबंग उसको मारने की धमकी दे रहे हैं, अब वह कहां जाए, परेशान है, न्याय के लिए कलेक्ट्रेट पहुंची। अधिकारियों का साफ तौर से कहना, महिला की शिकायत पर तहसीलदार को निर्देश दे दिए गए, कल ही महिला के जमीन पर जाकर तहसीलदार जांच करेंगे, उचित कार्रवाई करेंगे। सुनिए महिला और जिम्मेदार क्या कुछ कह रहे हैं। हमको दुख भी है कि हमारा खेत रामलखन प्रभाकर जबरदस्ती खेत काटने लगे। बोले मैं सुहागी के थाने में आन, हमको थाने से चौकी भेजी, चौकी वाले कहा कि तुम्हारी खेती न काटे भाई, न जो हम करो। आज तक परिखन साहेब हमारी खेती सब कटी गई, अब जो हम जोतने बोबे कि ओकर हर चल जाए साहेब, तो हर चल जीत हमारा कब्जा सब खत्म साहेब। हमको मारने का जान से कि इसकी बुढ़ी के जो खत्म हो जाए, खत्म कर देंगे, तो लड़का काहे हो रही है भाग दे अरे साहब, हमार लूट ले साहेब, ये दुख से अतर सुइया से साहेब, देवधर साहेब देवधर साहेब हर सब लिखित सब फैसला सब यहाँ ले आ के दिए, तहसीलदार तहसीलदार के सबके थाने के लुका इसी के वो गाड़ी चलावा था प्रभाक, हमको अब काल मेटम तेवसर के मेटम चौकी वाली डांट दी थी, का तुम्हारा कुछ नहीं उसको पैसा दे, हम पैसा साहेब अपने जजाद के पैसा दे साहेब, ये मेरे का पिया चार मल नाम नहीं जानी था। रीवा कितनी बार आ चुके हैं तेवसर पे साहेब? रीवा कितनी बार आई हैं? हम 10:30 बजे आई गए नहीं साहेब। और कितनी बार आई हैं? कितनी बार आ चुके? अब पहले जब आवत जा रहा भूल गया तो वह महीने हो गए आब पहला चक्कर साहेब आन है बते उतर चौकी में दौड़ा तो नहीं हो रही कोई हमार दुआसा नाम है साहेब लड़कन के बड़े लड़का के जगदीश प्रसाद राम लखन प्रभाक शुक्ला 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 माई केवा ठन साहेब केवा हम केवा गरीबन के निकारी है मलपार में साहेब जबरदस्त। उनका ये कहना था कि हमारे खेत हमारा स्वयं का खेत है सत्तू का, उसमें फसल लगी हुई थी, फसल किसी ने काट ली है, उसके संबंध में अभी तत्काल तहसीलदार के घर मैंने बोला है कि वो अभी आज वो पहुँच जाएंगे, कल सुबह मॉर्निंग में 10:30 बजे जाकर उसकी जमीन का उसको निरीक्षण करेंगे, और जो भी
संगत कार्रवाई है वो हम भी करेंगे। नहीं नहीं सभी प्रॉपरली उनको सुना गया है, मैंने फ़ोन पे भी तहसीलदार को निर्देश भी दिया है, ऐसी कोई बात नहीं। और कल वो पहुँच करके तहसीलदार के ऊपर वहाँ पर निराकरण उसका करेंगे। थैंक यू। दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।